हमारे इतिहास को नारंगी शक्ल देना चाहते हैं जो नागपुर से आजकल गाइडेड होते हैं। हम नारंगी नहीं, हम सतरंगी और बहुरंगी लोग हैं और हम इसी तरीके से आगे चलते चले जाएंगे। हम वनवासी नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ आदिवासी। कि जो जंगलों में रह रहा है वही सिर्फ आदिवासी है, बाकी मैदानी इलाकों में या जहाँ जंगल नहीं है वो आदिवासी नहीं है, यही वो फूट डालने की कोशिश कर रहे। हमें कुछ लोग आज की तारीख में वनवासी कह रहे हैं, उनका एक एजेंडा है, उनकी अपनी एक राजनीति है। वो वनवासी क्यों कह रहे हैं इसलिए भी समझना जरूरी है। वो वनवासी कहकर के काम क्या कर रहे हैं कि वो हमारे बीच में फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं। वो क्लियर कट कह रहे हैं कि जो जंगलों में रह रहा है वही सिर्फ आदिवासी है, बाकी मैदानी इलाकों में या जहां जंगल नहीं है, या दिल्ली में या रांची में या जयपुर में या अहमदाबाद में जो लोग रहते हैं वो आदिवासी नहीं है, यही वो फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं और यही से वो हमारी लड़ाई को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हमें ये समझने की जरूरत है कि साथी, हम वनवासी नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ आदिवासी हैं। हमारे इतिहास को लगातार मिटाने की कोशिश चल रही है। कुछ लोग हमारे इतिहास को नारंगी शक्ल देना चाहते हैं जो नागपुर से आजकल गाइडेड होते हैं, जिनका कार्यालय नागपुर से है, वो नारंगी लोग हमारे इतिहास को भी नारंगी बना देना चाहते हैं। लेकिन हम कह देना चाहते हैं कि साहब, हम नारंगी नहीं, हम सतरंगी और बहुरंगी लोग हैं और हम इसी तरीके से आगे चलते चले जाएंगे। हमारे पास हमारा अपना एक झंडा है। संविधान सभा में जब तिरंगे को लेकर के बहस चल रही थी तब भी जयपाल मुंडा ने एक बात कही थी, उस बात को भी याद रखने की जरूरत है। आप इस देश के लिए एक झंडा लेकर के आ रहे हैं, यह हमारे लिए बहुत फक्र की बात है। लेकिन एक चीज हम आपको बता देना चाहते हैं कि इस देश का आदिवासी हर एक कबीला अपने लिए पहले से एक झंडा लेकर के चला आता आ रहा है। और जब भी झारखंड का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा था कि जब जतरा का मेला लगता है तो हर एक कबीला एक अलग रास्ते से अपने एक अलग झंडे के साथ आता है। इसीलिए हमें तिरंगे के साथ साथ हमारा अपना झंडा भी मंजूर है। इसलिए हमें ये जानने की जरूरत है कि इतिहास को जो हमारे कुचलने की साजिश चल रही है, कुछ लोग कहते हैं कि अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ ये जो बगावत है ये 1857 में जो है मंगल पांडे ने शुरू की थी, तो साहब हम बता दें कि हमारे पुरखा तिलका मांझी भागलपुर में 18वीं सदी में ही अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद किए थे और उस समय के भागलपुर कलेक्टर को तीरों से मार के गिरा दिया था। हमारा इतिहास बाबा तिलका मांझी से शुरू होता है, हमारा इतिहास टंट्या भील से शुरू होता है, हमारा इतिहास बिरसा मुंडा से शुरू होता है, हमारा इतिहास कोमरम भीम से शुरू होता है, हमारा इतिहास बाबूराव सेड़माके से शुरू होता है। जो लोग हमारे इतिहास को नारंगी शक्ल देने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे इतिहास को तोड़ देने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें बता देना चाहते हैं कि हमारी बुनियाद इतनी कमजोर नहीं है कि तुम्हारे नारंगी सतरंगी जो नारंगी जो हमले हैं उससे हिल जाएगी। हमारी बुनियाद में तिलका मांझी है, हमारी बुनियाद में बाबा टंट्या मामा है, हमारी बुनियाद में कोमरम भीम और बाबूराव सेड़माके और तमाम लोग हैं। हमारी बुनियाद को आप हिला नहीं पाओगे। जब आप हमारी बुनियाद नहीं हिला पाए तो हमारा वजूद वर्तमान भी नहीं हिला पाओगे, आप चाहकर भी हमारा धर्म कोड हमसे छीन नहीं पाओगे। हम आज 500 की तादाद में यहाँ पर हैं, अगली दफा 5000 की तादाद में होंगे और उससे अगली दफा 5 लाख की तादाद में होंगे। और जब तक हमें अपना वजूद हमारा हक और हुकूक नहीं मिल जाता है तब तक इसी तरीके से इस जंतर मंतर पर इसी तरीके से आते रहेंगे। साथियों, कुछ और चीजें हैं जिनको याद करना बहुत जरूरी है, समय की सीमा उसको भी ध्यान में रखते हुए मैं अपनी बात खत्म करूंगा। आखिरी बात की बताऊं, आज जब हम लोग दिल्ली के जंतर मंतर पर अपना प्रतिरोध दर्ज करा रहे हैं तो इसी समय पर
झारखंड के नेतरहाट से हमारे आदिवासी समूह के लोग, नेतरहाट के आदिवासी 200 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके रांची जा रहे हैं, ताकि जो उनका जो 28 सालों से जो लड़ाई नेतरहाट फायरिंग रेंज के अगेंस्ट में चल रही है, उस लड़ाई को लड़ सके। और वो आदिवासी कह रहे हैं कि हमारे 245 गांवों की जो जमीन सरकार छीन रही है, वो जमीन आदिवासियों को वापस की जाए। जब हम लोग दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं, तब हमें ये याद रखने की जरूरत है कि इसी समय पर छत्तीसगढ़ के हस्तेव में 1,74,000 हेक्टेयर को जंगल को बचाने के लिए हमारे आदिवासी पेड़ों से चिपक करके अपनी जो है जान देने को तैयार है, लेकिन पेड़ कटने नहीं देना चाहते। हमें उनको भी सल्यूट करने की जरूरत है। जब तक हम इसी तरीके से बिखरे रहेंगे, इसी तरीके से हमारे ऊपर ये लोग हमले करते रहेंगे, हमें वापस एकजुट होने की जरूरत है, एक छत्र के नीचे आने की जरूरत है और आदिवासी एकता को बुलंद करने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया। इंकलाब जिंदाबाद। जय भीम जोहार, फुल जोहार।